हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी के सफ़र में। आज अपन बात करने जा रहे हैं वाटरवेज ऑफ इंडिया, भारत के जलमार्ग। भारत के जलमार्गों की बात करते हैं। सबसे पहले अपने को ये जानना है कि भारत के अंदर कितने जलमार्ग हैं, छोटे मोटे कुल मिलाकर। तो देखिए, एक साइड से अपन बात करें तो टोटल अगर बात करें तो 111 आते हैं, लेकिन 106 हैं वो अभी 2016 में ऐड किए गए थे। नेशनल वाटरवे एक्ट पारित हुआ था 2016 में, तब 106 वाटरवेज हैं वो उसमें और ऐड किए गए थे। इसके अलावा मेन रूप से अपने को पढ़ने को तीन ही मिलेंगे। देखिए, पहला आता है अपना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक। इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर मानी जाती है और ये गंगा नदी पर है। गंगा नदी को इसने तीन पार्ट पर डिवाइड करके रखा है। अगर वो पूछे कि तीनों के पार्ट के नाम, तो वो बताने ज़रूरी हो जाते हैं। पहली अपनी आती है, देखिए, भागीरथी। भागीरथी जब शुरुआत में होती है तो गंगा का नाम शुरुआत में भागीरथी है। उसके बाद में ये गंगा आती है उत्तर प्रदेश बिहार में बहते हुए। उसके बाद में ये हुगली बन जाती है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाटरवेज जो है जलमार्ग है, वो है अपना सदिया, असम से शुरू होता है और धुबरी असम में ही ख़त्म होता है, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर है। इसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर के समथिंग मानी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कोल्लम से कोझिकोड, ये 168 किलोमीटर का जलमार्ग है लगभग, जो कि केरल में है, और ये तीन नहर हैं उन नहरों पर है। इसके अलावा ध्यान में रखने वाली बात है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में पारित हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।